हाय फ्रेंड्स, मैं नाम करण है। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है HMV रेडियो फ्रेंड्स मेड इन इंडिया। आज का वाल वाला रेडियो है फ्रेंड्स, मैंने इसको रिस्टोर भी करके लाया। ऑलरेडी ये वर्किंग कंडीशन में था। मैं इसका रिस्टोर वाला भी दिखा देता हूँ कि कैसे इसको रिस्टोर किया। आप भी अपने रेडियो को ऐसे ही रिस्टोर कराना कि मतलब इसकी मतलब पपड़ी विपड़ी निकल रही थी, तो उसको पॉलिश करने को देना अंकल के पास। कोई प्रोफेशनल अंकल हो मतलब उसको पॉलिश वाला, उसको ही देना फ्रेंड्स। ऐसे मतलब उनको बहुत सारा नॉलेज होता है। मैंने बहुत सारा नोटिस किया कभी भी पॉलिश वाले अंकल वाले के पास। तो कोशिश करना कि ज़्यादा रोज़ पॉलिश होता रहेगा, उनके पास ही देने के लिए कोशिश करना। ये मैं HMV का रेडियो है, बहुत ही अच्छा है, वर्किंग कंडीशन में है। बस इसका एक नॉब मिसिंग है फ्रेंड्स, कभी भी ध्यान रखना, तीनों नॉब होने चाहिए। 3 बैंड का रेडियो है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है। मैं ये दिख सकते हैं, देखो यहाँ पर HMV लिखा। बस इसके ग्लास, उसके ग्लास के पीछे का कलर निकल रहा है, तो मैंने उसके बना के रखा भी है। देख सकते हैं, तो उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। इसका नया ग्लास बनाने वाला हूँ फ्रेंड्स। देख सकते हैं, मैंने ये रफ बनाया है, मतलब प्रिंट किया है फाइनल। और एक बार टच बनाने के बाद ही मैं इसको नया कांच बनाऊंगा, मतलब ये कांच निकाल के उसका ओरिजिनल कांच बनाने वाला। देख सकते हैं, मैंने इसका रफ बनाया। ये येलो क्यों बनाया कि उसको यहाँ पे मुझे कट करना है। उसके लिए मैं ये मतलब ग्लास, मैं मतलब कभी किसका भी ग्लास टूटा तो मैं बताऊंगा कि कैसे ग्लास बनता है फ्रेंड्स। तो इसका तो ग्लास टूटा नहीं, बस इसके ऊपर का ये प्रिंट निकल रहा है, तो थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं। पर मैं आपको सच्ची बताऊं कि मैं ये कांच वाले के पास साइज लेके गया ना, तभी उजाले में बहुत ही अच्छा दिख रहा है। कुछ ज़रूरत ही नहीं बदली करने की, ऐसे वो टाइम पर लगा। तो वीडियो बनाने के लिए मैंने इसको ग्लास लगा के रखा, नहीं तो मैं नहीं लगाने वाला था। बोला दूसरा ग्लास लगाता हूँ और प्रिंट वो प्रिंट बनाया था, मतलब वो ये काम किया था HMV का, वो लगाता हूँ। मेरा बोला नहीं, ओरिजिनल मतलब व्यूअर्स को बताऊंगा कि ओरिजिनली चीज़ लगानी होती है, ओरिजिनली सब कुछ चीज़ होना चाहिए। बस इसका एक बटन मैंने कारपेंटर होते लकड़ी का बनाना चाहता हूँ। मैं लकड़ी के ऐसे दिया, उनको सैंपल दिया था बनाने के लिए, तो ये वापस मैं लेके आया हूँ। तो कल नहीं तो परसों इसका ऐसे ही सेम मैंने यहाँ पे लग जाएगा कारपेंटर के पास। लकड़ी का बनेगा, ये तो प्लास्टिक का बना है, तो सेम टू सेम बन जाएगा फ्रेंड्स। वो अंकल ने बोला 30 रुपीज़ का एक आता है। आप भी किसके पास भी कारपेंटर के पास लेके जाइए ये, और एक उसका नॉब बना लीजिए। मैं आपको ये बताऊँगा, बहुत ही अच्छा वर्किंग कंडीशन में है। मैं इसका दिखा देता हूँ, वीडियो भी लास्ट में डालूँगा। यहाँ पर तो उसका मतलब नहीं, नेटवर्क नहीं पड़ेगा इसकी। ये जिसके अभी ये भी देखना, इसके ऊपर वाइट कलर मतलब स्प्रे किया है, यहाँ पे गोल्डन कलर किया है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है। ये फ्लैश का लाइट आ रहा है उसके लिए ठीक तरह दिख रहा है। मैं इसका लाइट हटा के देखता हूँ, ये नहीं पूरी तरह अंधेरा हो गया। तो ये रेडियो HMV का है फ्रेंड्स, मेड इन इंडिया है और यू सीरीज का है फ्रेंड्स। इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना फ्रेंड्स, कभी भी इसको करंट आता है। ECDC वाला रेडियो है, इसमें वो रजिस्टर नहीं लगा, उसमें ट्रांसफार्मर लगने के बाद भी इसमें करंट आ रहा है। तो संभाल के इसको वायर को चेक करके ही लगाना, उसके पास ऐसे मतलब ऐसे स्टिकर लगा के रखना। मतलब मैंने यहाँ पे टेप लगा के रखी और टेप पे मतलब ऑन लिखा है, मतलब यहाँ से ही मुझे उसको मतलब लगाना है। वाइट स्पेस ऐसा आएगा वहाँ पर लगाना है, और यहाँ पे आएगा तो मुझे करंट आ जाएगा फ्रेंड्स। तो कोशिश करना यू सीरीज वाले रेडियो लेंगे तो संभाल के लेना फ्रेंड्स, इसमें शॉक लगने की चांसेस होते हैं। तो कोशिश करना कि ये रेडियो करंट नहीं लगे। आज मेरे को सुबह 2-3 बार इतने ज़ोर से तो नहीं लगेंगे, पर हल्का सा लग जाता है, इतना पावरफुल नहीं लगेगा। तो पावरफुल लगता कि नहीं लगता, पर मुझे तो हल्का सा लग गया। तो मैं इसका पीछे का एंटीना का वायर जोड़ रहा था, मतलब नेटवर्क आने के लिए। मैं लास्ट में इसका वीडियो डालूंगा। ये मिक्सर का बटन है, आप ध्यान देंगे तो कोशिश करना है इसको संभाल के लगाने के लिए। मैं इसके अंदर का भी दिखा देता हूँ, इसके साइड के कॉर्नर भी दिखाता हूँ। हमेशा बंद वाला रेडियो कभी नहीं बाय करना फ्रेंड्स, और एक बार तो अपने मैकेनिक को ज़रूर दिखाना फ्रेंड्स। कभी भी कुछ भी लेने से पहले तो आपको मैकेनिक ज़रूर बताएगा कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो ठीक है, मैकेनिक ने मई आपके पास मैकेनिक नहीं रहेगा तो उसको पूरी तरह रिस्टोर कीजिए, और अपने शो के लिए मतलब अपने शोकेस में रखिए, नहीं तो कहाँ पर हॉल में रखिए। बहुत ही दिखने में अच्छा है फ्रेंड्स। अभी वुडन का है, इसका देखो ओरिजिनल फोटो ऐसे था, उसका येलो कलर का देखो सब दिख रहा है फ्रेंड्स। इसके ऊपर का ये डायल है ऊपर की, ये ऊपर का है वो भी देखो कैसे ऐसे था। तो उसको रिस्टोर करने के बाद ऐसे बन गया फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है। मैं इसको साइड बाई साइड सब दिखा देता हूँ।
ये देखो फ्रेंड्स, बहुत ही मतलब अंकल ने अच्छा काम किया। सब बाजू से फोटो दिखाता हूँ फ्रेंड्स, देख लेना। बस यहाँ पर मैंने एक बटन जान मुझके लेगा कि मेरे को उसका टेंशन ट्यूनिंग करने का, वो करने का था, चेंज करने का था, तो उसके लिए मैंने एक लगा के रखा। मैं तो बहुत सर्च करते रहता हूँ कि मुझे रेडियो के बटन पुराने वाले कहाँ मिलेंगे। तो चलो ठीक है, अभी देखो मैंने साइड के सारे दिखाए फ्रेंड्स, उसको पॉलिश करके लाया। इसकी कंडीशन बहुत बेकार थी। वो अंकल के पास मैं इसका बॉडी लेके जाने के बाद अंकल ने बोला ये पूरा रेडियो ऐसे खुल गया था, मतलब ओपन हुआ था। ये पहले के टाइम पे वो खिले बिले नहीं लगाते थे, फेमिकॉल से उसको फिक्स करके ऐसे टाइट करके बनाया जाता था। वो टाइम का वो अंकल बताया मुझे, इसको खिले मार के ऐसे टाइट नहीं किया जाता। कोई कारपेंटर देखता रहेगा, नहीं तो रेडियो के बारे में कोई रिस्टोर किया रहेगा तो उनको मालूम रहेगा। वो कारपेंटर अंकल ने मुझे यही बताया कि इसको खिले विले नहीं मारे थे, इसको ग्लू से मतलब इसको टाइट करके इसको फिक्स किया था। तो बोलता पुराना चीज़ है ये, तो ये खुल गया था ऐसे, मतलब ऐसे ओपन हो गया पूरी तरह। तो उसको मैंने पूरी तरह से ग्लू वैसे चिपकाने के बाद, उसको दो दिन रखने के बाद उसको फिक्स कर दिया। अब मैं इसका बैक साइड में दिखाता हूँ, देखो फ्रेंड्स कितना फ्रेश कंडीशन में है। फ्रेंड्स मैं इसको आगे लेके दिखाता हूँ, पर इसको अंदर से भी अंकल ने मतलब ब्लैक बोर्ड कलर होता है वो मार दिया। अंकल ने मुझे बोला पेंट कलर नहीं मारा, मतलब ऑयल पेंट होता वो नहीं कर दिया, अपन ब्लैक बोर्ड होता है स्कूल में बोर्ड होता है बड़ा वाला, वो अंदर से पेंट कर दिया। यहाँ पर सिल्वर कलर कर दिया अंकल ने, बहुत ही अच्छा किया। बस स्पीकर उनके पास नहीं लेके गया था, स्पीकर मेरे घर पे था, तो अंकल ने स्पीकर को सिल्वर कलर नहीं मार दिया, बॉडी को वहाँ पर दिख रहा है। तो मैं बोला चलो ठीक है, मेरे पास रहेगा तो मैं मार दूंगा। तो मेरे पास आई थिंक है क्या नहीं वो देखना पड़ेगा, मेरे पास इम्पोर्टेड कलर्स है फ्रेंड्स, तो मेरे को देखना पड़ेगा। सिल्वर कलर्स पे ऑयल कलर्स ज़्यादा होते हैं। तो इसके देख सकते हैं कंडीशन तो बहुत ही अच्छा है, मतलब कहाँ से ऐसे नहीं है, पुराना वर्किंग कंडीशन में है। बस नीचे उसके ब्लैक कैपेसिटर लगे वो हटाने पड़ेंगे, तो उससे और नेटवर्क शार्प आ जाएगा। मेरा एक मैकेनिक ने बोला कि थोड़ा और मतलब लाइफ उसकी बढ़ जाएगी। चालू हुए है भी है, वैसे कंडीशन में था, पुराना था वही कंडीशन में था, तो एक बार तो मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ेगा। तो चालू कंडीशन में तो मेरा एक मन बोलता है लेके जाना, इसकी लाइफ और बढ़ जाएगी, मतलब कभी ना कभी बन नहीं पड़ेगा ये, मतलब 5 ईयर 6 ईयर चालू रहेगा। तो मैं दिखाता हूँ नीचे भी ऐसे है। देखो ऊपर इसके ब्लैक नीचे पूरे कैपेसिटर लगे ब्लैक वाले, बहुत ही अच्छा है। देखो यू सीरीज़ का फ्रेंड्स, यहाँ पर पावर ट्रांसफार्मर लगा है। यहाँ पर पावर ट्रांसफार्मर नहीं होता है, एक ग्रीन कलर का रजिस्टर होता है, वो ग्रीन कलर का होता है, उससे समझ जाने का कि ये यू सीरीज़ का रेडियो है। और ये सारे यू सीरीज़ के वाल है फ्रेंड्स। ये देखो यहाँ पर मैंने टेप लगा के रखी थी कि इसके ऊपर कौन से नंबर का है, यहाँ का नंबर मतलब गर्म होते होते उस यहाँ का मिट जाता है। सबके ऊपर मैंने टेप लगा के रखी कौन से नंबर का है, और यहाँ पर भी है। आप भी ऐसे ही करना कि नीचे लिख के रखना कि कौन से वाल का नंबर नीचे है, कहाँ से भी कहाँ पर है। तो मैकेनिक के पास मतलब कारपेंटर के पास लेके जाने से पहले मैंने सब लिख के रखा था। तो ये एंटीना के वायर है, मतलब यहाँ पर मैंने बोला था ना मैं टच करके लगाया था तो करंट आ रहा था। फ्रेंड्स कभी भी ध्यान देके ही काम करना, बंद करके ही इसको कुछ करना, मतलब एंटीना का वायर भी लगाना रहेगा तो, नहीं तो करंट आ जाएगा फ्रेंड्स। सोच समझ के काम करना, ये यू सीरीज़ का रेडियो है, इसको करंट आता है, ECDC वाला रेडियो है फ्रेंड। इसका ओरिजिनल बैक कवर भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो बोलेंगे बैक कवर नहीं दिखाया, मेड इन इंडिया का फ्रेंड्स। ये देखो फ्रेंड्स मेड इन इंडिया, इसका मॉडल नंबर देखो यहाँ पे है 5182, इसका मॉडल नंबर है फ्रेंड्स, इसका ओरिजिनल ही बैक कवर है फ्रेंड्स। मैं इसको निकाल के मतलब दिखाने के लिए रखा था कि आपको जल्दी टाइम वेस्ट ना हो जाए, स्क्रू के लिए वेस्ट टाइम ना हो जाए। आगे लेके दिखाता हूँ, ठीक है ना, उसके नंबर के नीचे लिखा है मेड इन इंडिया लिखा है फ्रेंड्स। तो ये वर्किंग कंडीशन में इसको ऑन करके दिखाता हूँ, यहाँ पर तो नेटवर्क नहीं आएगा। इसके लिए मुझे विंडो पे लेके जाना पड़ेगा, तो मैं ऐसे ही चालू करके आपको दिखाता हूँ।
करता हूँ और इसके बटन देखता हूँ ऑन ऑफ है क्या नहीं है। तो इसका बटन एक गिर गया फ्रेंड्स, मैं इसका पावर दिखाता हूँ फ्रेंड्स लगा के। यहाँ पर ध्यान रखना कि टेप लगाना जरूर फ्रेंड, नहीं तो उसको करंट आ जाता है फ्रेंड, ध्यान में रखना, नहीं तो उसको जोर से करंट लगेगा। यू सीरीज का रेडियो कभी भी बाय करेंगे, रेडियो लेते टाइम पे उसको बोलना फ्रेंड्स यू सीरीज का क्या ई सीरीज का है, यू सीरीज करेगा तो करंट आएगा, ई सीरीज में नहीं आता है, ध्यान में रखना। मैं इसको ऑन करके देखता हूँ, इसकी लाइट बंद कर देता हूँ मेरी, तो आपको पता चलेगा ऑन है। एंटीना लगा के कोशिश करता हूँ कि आता है क्या नहीं, तो फ्रेंड्स मैंने इसको वायर लगा दिया, बंद करके लगाया था फ्रेंड्स, तो करंट आ जाएगा। यू सीरीज का रेडियो मुझे बहुत ही पसंद है, कौन सा भी हो, HMV का है फ्रेंड्स। मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर लगाने के लिए फ्रेंड्स, नहीं तो यहाँ पे नहीं पकड़ेगा कुछ। कभी भी फ्रेंड्स वॉल वाले रेडियो को उसका एंटीना लगाना, टेरेस वाला, टेरेस पे एंटीना है उसका, फ्रेंड इसको यहाँ पर तो फ्रेंड्स नेटवर्क नहीं आ रहा। मैं इसका लास्ट में ये वीडियो ख़त्म होने के बाद इसका वीडियो डालता हूँ, देख लेना थोड़ा सा, मतलब यही वीडियो आएगा, मतलब अच्छी तरह इसको मैंने आगे भी क्लैरिटी लगाया, उसके लिए से नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा डाउट है, नहीं तो मोबाइल के इसके से वैसे भी नहीं आता है, मोबाइल के चार्जिंग से भी नहीं आता। मैं तो मोबाइल को चार्ज लगा के बना रहा हूँ शूटिंग, तो ये वर्किंग कंडीशन में, अच्छा कंडीशन में आपके पास भी हो तो फ्रेंड्स संभाल के रखना, ये किसकी यादें हैं, मतलब ये रेडियो आज के तारीख में, मतलब आज के डेट में किधर नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, मिला तो बहुत ही महंगा मिलता है। और ये वुडन वाला है, वुडन वाले में रेडियो की मतलब आवाज़ बहुत ही अच्छी आती है, मतलब स्पीकर होते वो देख लिए रहेंगे अपने, स्पीकर वुडन बॉक्स में रहते कितनी बड़ी आवाज़ आती है, मतलब अच्छी आवाज़ आती है, वैसे ही वुडन बॉक्स में ये रेडियो बजने लगता है ना, तो बहुत ही इसका इफेक्ट अच्छा आ जाता है, और यू सीरीज का तो अलग ही आता है। तो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहना, और ये कैसे मैंने इसको रिस्टोर किया आपको बता दिया कि इसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, देख सकते हो वापस एक बार मैं दिखाता हूँ उसको, स्क्रीन पर फोटो आ रहा है। ऐसे ही भी अपना भी रेडियो ऐसे ही संभाल के रखना, और किसके पास भी ऐसे नॉब हो कुछ वाल हो तो मुझे बता सकते कि हमारे पास है, मुझे आपको देना है, सेल करना है, कुछ भी करना है
तो मुझे आपका मोबाइल नंबर फ्रेंड्स कभी भी कुछ भी बताने से पहले मुझे नंबर आप डाल देना नीचे, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी कर सकते हैं। फेसबुक पे मैं डालते रहता हूँ अपना रेडियो का, तो वीडियो नहीं डालता हूँ, रेडियो डालते रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी डालते रहता हूँ, तो देखना इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे। तो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, लाइक करना, शेयर करना। मैं वीडियो यही स्टॉप करता हूँ तो वीडियो बहुत ही बढ़िया बन गई। तो नेक्स्ट वीडियो वाल की आई जाएगी, ग्राउंडिंग का रेडियो का आएगा फ्रेंड्स, वाल वाला। तो मैं वीडियो यही स्टॉप कर देता हूँ, वीडियो बढ़िया जाएगी। बाय फ्रेंड्स।